हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल द फूडी सोल बाय साइमा। आई एम गोइंग टू पोस्ट न्यू रेसिपी दैट इज मुर्ग मुसल्लम ऑन योर हाईली डिमांड, सो लेट्स कम इनटू द वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमको लेना है एक मुर्ग। देखिए, मैंने होल मुर्ग लिया है, पूरा एक खड़ा मुर्ग है। इसको अंदर से अच्छे से साफ कर लिया है मैंने। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो हम एक अच्छा सा मैरिनेशन देंगे, जिसके लिए सबसे पहले हम एक फोक लेंगे और फोक की मदद से इसको फोकिंग करेंगे। फोकिंग करने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम कुछ भी इसमें मिलाएंगे, कोई भी मसाले से इसको मैरिनेट करेंगे, तो सारे फ्लेवर्स उसके अंदर तक अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हमें इसको हर पार्ट में फोकिंग करना है, कहीं भी रह ना जाए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा बोल। उसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच केवड़ा वाटर, और उसमें हम मिलाएंगे केसर, ज़ाफ़रान, सेफ्रॉन। कुछ हम सेफ्रॉन स्टैंड्स डालेंगे और इसको अच्छे से डिसॉल्व करेंगे, ताकि सेफ्रॉन का कलर और फ्लेवर केवड़े में आ जाए। तो इस तरह से हमने केवड़े में अच्छे से मिक्स कर लिया। देखिए, मैंने एक अलग बोल में आपको कलर दिखाने के लिए बोल चेंज किया, ताकि बढ़िया से आपको कलर ज़ाफ़रान का और केवड़े का कलर दिख सके। अब हमें इस मुर्ग पे इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है और इस तरह से लगाना है, अंदर से लेकर बाहर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक अच्छे से रब करेंगे, ताकि ज़ाफ़रान और केवड़े का जो फ्लेवर है वो मुर्गे में अच्छे से मैरिनेट हो सके। और इसको हम 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और जब तक ये 1 घंटे तक फ्रिज में मैरिनेट होगा, तब तक हम लोग शाही पेस्ट की तैयारी करेंगे। तो चलिए शाही पेस्ट बनाते हैं और इसको डालते हैं फ्रिज में। यहाँ पर मैंने लिया है 2 से 3 चम्मच कोकोनट पाउडर, 1 बड़ा चम्मच काजू, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी और 2 बड़े चम्मच खसखस, यानी कि पोस्ते के दाने, कुछ लोग पॉपी सीड्स भी बोलते हैं, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धनिया, 1 छोटा चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च, 1 छोटा दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच हरी इलायची। तो सबसे पहले हम एक पैन को गर्म करेंगे, लेकिन गैस को हम सिम पे रखेंगे। उसमें डालेंगे कोकोनट, चिरौंजी, काजू, पोस्ते के दाने, और इनको बहुत ही सिम पे हमको रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है। गैस को ध्यान रखिएगा, मीडियम टू सिम रखिएगा, ताकि मेवे जो हैं वो जले नहीं, ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो जाएं और उनमें अच्छी सी खुशबू आ सके। तो इस तरह से ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। रोस्ट होने की पहचान ये है कि जब इसमें अच्छी सी खुशबू निकलने लगे, ध्यान रखिएगा ये जले नहीं है, जब इसमें अच्छी सी खुशबू निकलने लगे, 2 से 3 मिनट तक इसको रोस्ट करिएगा, ड्राई रोस्ट। और अब हम इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसी तरह से हमें अपने मसालों को भी ड्राई रोस्ट करना है, और वो भी सेम फ्लेम पे करना है। तो हमने सारे ड्राई मसाले, जो हमारे खड़े मसाले थे, उनको इस तरह से हमने रोस्ट किया है, जैसे हमने अपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट किया था। देखिए, ये भी रोस्ट हो चुके हैं और इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब हमें इसे ग्राइंडर में डाल करके उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत पानी मत डालिएगा, नहीं तो मसाले अच्छे से ग्राइंड नहीं होंगे, वो खड़े रह जाएंगे। तो पहले हमें इसमें 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल करके इसको पेस्ट बनाना है। फिर चाहें तो आप दोबारा भी पानी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है। और एक स्मूथ पेस्ट बनाना है, ध्यान रखिएगा, पेस्ट बनाना है, स्मूथ पेस्ट बनाना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बना लीजिए। मसाला देखिए बिल्कुल बढ़िया सा रेडी हो गया है। अब हमने एक बोल लिया है और उसमें डाला 250 ग्राम योगर्ट, करीब 2 कप के करीब योगर्ट डालना है, और 2 बड़े चम्मच हमें डालना है ब्राउन अनियन पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं, 3 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और जो हमने पेस्ट बनाया था एक फ़ाइन पेस्ट, उसको भी ऐड कर लेंगे। अब हम इस शाही मिक्सचर को एक मिक्स देंगे, अच्छे से मिलाएंगे, ताकि सारे मसाले दही के साथ कॉम्बाइन हो जाएं। अब आता है मैरिनेशन, सेकेंड मैरिनेशन का टाइम। अब हम अपने मुर्ग को फ्रिज से बाहर निकालेंगे और उस पर दही वाला मिक्सचर अच्छे से मसाज करेंगे। मिक्सचर को हमें चिकन पे पूरा लगा देना है,
ध्यान रखिएगा कोई भी पार्ट छूट ना जाए, उसके अंदर तक हमें मिक्स करना है मसालों को। अच्छे से रब कर देंगे और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो मैरिनेशन का टाइम बढ़ा सकते हैं, मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करूँगी। दूसरी तरफ हमें लेना है चिकन का कीमा, 250 ग्राम मैंने चिकन कीमा लिया है, एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट और एक छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट मिलाएंगे, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने 1/4 टीस्पून डाला है, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़े से ब्राउन अनियंस करीब 1 टेबल स्पून और कुछ मैंने आमंड्स को पील कर लिया है यानी कि उनको भिगो के छील लिया और यहाँ मैंने 2 हार्ड बॉयल एग्स लिए और उनको चॉप कर लिया है। इसको भी हम मिक्स कर देंगे इसी मिक्सचर में और एक अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे, मिक्स इट वेल ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, कुछ पुदीने के पत्ते, मिंट लीव से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है तो मिंट लीव बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अब फटाफट हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, गरम करेंगे अच्छे से और उसमें डालेंगे 2 बॉयल्ड एग यानी कि उबले हुए अंडे और उसको अच्छे से फोक कर लेना है। हल्का सा हम फ्राई करेंगे और इसी में हमें चिकन कीमे को भी फ्राई करना है तो हम एक साइड एग को फ्राई कर लेंगे और दूसरे साइड हम अपने चिकन कीमे को भी इसमें डालेंगे जो हमने पहले से मैरिनेट किया था, पहले से एक मिक्सचर तैयार किया था चिकन कीमे का, उसको भी डाल देंगे और थोड़ी देर पकाएंगे ताकि चिकन का जो कीमा है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। ये हम फिलिंग बना रहे हैं जो हमें अपने चिकन के अंदर फिल करना है क्योंकि ये एक शाही डिश है तो हमें इसे शाही अंदाज में प्रेजेंट करना है। और इसको सिम कर देंगे, गैस को सिम कर देंगे और थोड़ी देर पकाएंगे। 2 से 3 मिनट बाद हम लिड को हटाएंगे और देखेंगे हमारा कीमा कितना कुक हुआ है। थोड़ी देर और इसको कुक करेंगे और ये देखिए हमारा कीमा बिल्कुल पक चुका है, बिल्कुल तैयार है और अच्छे से इसमें एक फ्लेवर भी आ गया है और कलर भी। चिकन हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, गैस को हम ऑफ कर देंगे और जो हमने चिकन अपना फ्रिज में मैरिनेशन के लिए डाला था उसके अंदर इस फिलिंग को हम फिल करेंगे। कीमे को हमें अंदर तक फिल करना है और दोनों एग्स को भी हम अंदर तक इसको फिल करेंगे। ये देखिए मैंने कीमे को अंदर तक फिल कर दिया है, एग्स को भी हमने अंदर किसी तरह सेट कर दिया है। आप अपने चिकन के अकॉर्डिंग इसको सेट कर लीजिएगा और थोड़ा सा कीमे से इसको पूरा कवर कर देंगे क्योंकि एक शाही डिश है तो हम इसको बिल्कुल शाही अंदाज में बना रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल भी है। अब मैंने दोनों लेग्स को हाथों की मदद से जॉइंट कर लिया है और इसको एक धागे से हमें बांधना है। मैंने अपनी कलीग की मदद लिया है जो इसको एक धागे से चिकन के लेग्स को मैंने बांध दिया है, टाई कर दिया है। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको टाई कर दिया है ताकि मसाला जो है, जो फिलिंग है हमारी, बाहर ना आए और चिकन अच्छे से कुक हो जाए। अब हम एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसमें हमारा पूरा होल मुर्ग को हमें पकाना है, जिसके लिए मैंने एक बड़ा सा पैन लिया है कढ़ाई नुमा और उसमें डाला 4 से 5 बड़े चम्मच देसी घी क्योंकि ये शाही मुर्ग है और उसको हम देसी घी में बनाएंगे और अपने मुर्ग को हम कढ़ाई में डालेंगे, गरम घी के अंदर डाल देंगे और सारे मैरिनेशन वाले मसाले को भी उसमें मिक्स कर देंगे और एक साइड पूरा पकने देंगे। जब हमारा चिकन एक साइड थोड़ा सा पक जाएगा तो हम उसको टर्न आउट करेंगे क्योंकि हमें इसे दम प्रोसेस से पकाना है तो हम पहले एक साइड इसको पका लेंगे और दूसरे साइड इसको पलट देंगे। और अब हम इसको कवर करेंगे जिसके लिए हम अपना जो हम लिड लेंगे उसमें लगाएंगे आटा, जो गुथा हुआ आटा होता है उससे लिड को चारों तरफ से कवर कर देंगे ताकि बिल्कुल भी भाप, स्टीम बिल्कुल भी बाहर ना निकल सके और एक दम मेथड से हम इसको पकाएंगे। इस तरह से हमने इसको दम कर दिया है और गैस को सिम कर दिया है। पहले 3 मिनट हम गैस को हाई पे रखेंगे, 3 मिनट हाई पे रखने के बाद हम इसको सिम कर देंगे और ध्यान रखिएगा आटे से अच्छे से कवर कर दीजिएगा ताकि जो स्टीम है वो बाहर ना निकले। 45 मिनट हम इसको सिम पे पकाएंगे बिल्कुल लाइट सी फ्लेम पे, आप चाहें तो नीचे एक तवा भी रख सकते हैं। और अब हमारा 45 मिनट हो चुका है, हम अपने आटे को निकालेंगे और ये चेक करेंगे कि हमारा मुर्ग जो है वो कुक हो गया है कि नहीं। चाकू की मदद से हमें अपने सील किए हुए आटे को हटा देना है और अब हम लिड खोलेंगे,
वाओ, बहुत ही शानदार सी खुशबू आ रही है इसमें से। काश मैं आपको ये बता पाती। और देखिए हमारा मुर्ग भी अच्छे से पक चुका है। ग्रेवी से हम उसको कवर करेंगे, ऊपर से नीचे थोड़ा सा मिक्सिंग देंगे। अब टाइम आता है इसको प्लेट आउट करने को। तो चिकन हमारा पक चुका था, अब हम इसको एक सुंदर सी प्लेट में सर्व करेंगे। तो हमने पहले मुर्ग को बाहर निकाल लिया है एक प्लेट पे, कुछ बॉइल्ड एग से गार्निश किया और ऊपर से ग्रेवी को डालेंगे। ऊपर से हम अपनी जूसी ग्रेवी से इसको कवर करेंगे और अब हम डालेंगे इसमें फ्रेश मिंट लीव्स यानी पुदीने के पत्ते। थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे ब्राउन अनियन से, आप चाहें तो आमंड्स डाल सकते हैं गार्निशिंग में, आप चाहें तो चांदी के वर्क से इसको कवर कर सकते हैं। थोड़ा सा ऊपर से हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और एक अच्छी सी गार्निशिंग देंगे। गार्निशिंग भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए मैंने चांदी का वर्क हल्का सा लगाया। आई नो फ्रेंड्स, रेसिपी थोड़ी लंबी थी, वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया था, बट रेसिपी थी भी बहुत शानदार और शाही। और नवाबी डिश की पहचान ही स्लो कुकिंग होती है। तो इन्जॉय करिए अपने मुर्ग मुसल्लम को अपने घर के किचन के अंदर बिल्कुल प्रोफेशनल स्टाइल में। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आप सबकी रिक्वेस्ट पर मैंने अपने चैनल पर कम बैक किया, वो भी एक शाही अंदाज में, एक शाही नॉनवेज रेसिपी के साथ। तो अगर आप मेरा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द फूडी सोल बाई साइमा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।